want to become a cabin crew, then this is the perfect video you should watch. क्या आपको भी cabin crew बनना है तो ये perfect video है जो आपको देखना चाहिए. Without a further delay, let's dig into the video. तो चलिए शुरू करते हैं. Hi guys, welcome back to my channel. So my name is Yashashvi and I have cleared Indigo cabin crew interview in my first attempt. And today I am going to share my experience and what all things I have learned and जो भी interview देने जा रहा है, how you can ace it in your first attempt. The only thing which you have to keep in mind is, darling, just smile and you will do wonders. As I live in Bhopal, so Bhopal में interviews नहीं हो रहे थे, तो I got to know कि दिल्ली में interviews हो रहे हैं. तो अगर आप भी cabin crew के लिए interview देना चाहते हैं, तो आप इंडिगो की वेबसाइट पे जा सकते हैं या सिंपली सर्च कर सकते हैं जिस भी एयरलाइन में आपको देना है. उनके वेबसाइट पे जाके करियर पे उनका एक करियर ऑप्शन आता है, उसको क्लिक करेंगे तो आपको पूरे इवेंट्स दिख जाएंगे क्या क्या होते हैं. तो वहीं से मुझे पता चला था कि वॉक इन इंटरव्यूज हो रहे हैं और वॉक इन इंटरव्यूज के लिए आपको कहीं भी रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है. अपनी मम्मी को लेके थी दिल्ली, तो मम्मी और मैं गए थे 8 o'clock इन द मॉर्निंग. हाँ, इतना टाइमिंग था रिपोर्ट करने का. और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो प्लीज टाइम पे पहुंचे, क्योंकि अगर आप टाइम पे पहुंचेंगे तो आपका जल्दी इंटरव्यू होगा, आपको जो नंबर्स मिलते हैं वो जल्दी मिलेंगे. सो मैं भी 8 o'clock शार्प पहुंच गई थी और मेरा चेसिस नंबर था 200. सो आई वेंट देयर एंड जब मैं फर्स्ट टाइम गई तो मैं बहुत नर्वस थी, बट आई वॉज नर्वस अंटिल आई स्टेप्ड इन. आफ्टर दैट व्हेन आई स्टेप्ड इन and I got to know that cabin crew is not only about beauty, क्योंकि मुझे भी ये misconception था कि cabin crew मतलब beautiful होना चाहिए. और but वहाँ जाके मुझे पता चला कि beauty matters, yes, but beauty से ज़्यादा आपका confidence देखा जाता है, how you talk to people, आपकी smile बहुत important है throughout the process, the way you answer is very important. So आप please ये ध्यान रखें कि जब भी आप answer करें तो confident sound होने चाहिए कि सामने वाले को पता चले कि yes, she is the one, that's all I did. मैं गई, मैंने कोई भी इंस्टीट्यूशन कुछ भी ज्वाइन नहीं किया था. सो आई वेंट देयर विद माय मम एंड फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ, फिर सेकंड राउंड क्लियर हुआ. सेकंड राउंड के वैसे तो कंटिन्यू 4 राउंड पूरे क्लियर हो जाते हैं. मतलब मैंने जनरली लोगों के वीडियोस देखे जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे चारों राउंड एक ही दिन में हो गए, बट मेरे साथ केस डिफरेंट था. मैं 2 राउंड क्लियर हुए, दिन में को एचआर ने इन्फॉर्म किया कि अब जो आपका 3rd and 4th round होगा वो आफ्टर 10 डेज होगा. अब मुझे इसका रीजन भी पता चला, क्योंकि जो मेन बाहर से जो एचआर आने वाले थे इंटरव्यू करने के लिए वो 10 डेज बाद ही आने वाले थे. तो जितने भी सिलेक्ट हो गए थे, सेकेंड राउंड क्लियर कर लिया था, उन्हें सबको 10 डेज बाद बुलाया था. तो जब मैं 10 दिन बाद गई तो दिस टाइम आई वेंट विथ माई सिबलिंग्स. तो मैं अपने भाई बहनों के साथ गई, फिर हम गए और फिर से हमें बताया गया कि 8 to 11 का नॉर्मल बैच चलते हैं, नॉर्मल इंटरव्यू वाला. तो हमें 11 के बाद की टाइमिंग थी कि 11 के बाद आप 3rd 4th round के लिए आए. तो मैं 3rd 4th round के लिए गई. मैं 3rd round में गई, मैं BMI हुआ, मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि मुझे भी एक छोटा सा स्कार है इधर, आई डोंट नो इफ इट इज विजिबल और नॉट, बट मैंने ये कंसील कर लिया था. और अगर आपको भी स्कार्स हैं कुछ है तो प्लीज कंसील करके जाइए. देखिए, एक्चुअली मैंने भी देखा है बहुत सारे लोगों को जो रिजेक्ट हुए थे बिकॉज ऑफ सच माइन्यूट स्कार्स, बट ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है. मे बी अगर आप ट्राई करें तो हो सकता है हो जाए आपका. तो प्लीज आप जाइए, ट्राई करिए, गिव अप मत करिए, कंसील करके जाइए, अच्छे से अपना कॉन्फिडेंस पहन के जाइए. सो आई वेंट देयर एंड फिर 3rd round में BMI हुआ. ऑफकोर्स मैं थोड़ी डरी हुई थी क्योंकि मैंने बताया स्कार है मेरे को, तो बट क्योंकि वो इतना विजिबल नहीं था, मैं कंसील करके गई थी तो इट वॉज नॉट दैट बिग इश्यू. फिर उसके बाद BMI क्लियर हुआ, फिर 4th round में हमें बिठाया और फिर क्वेश्चंस पूछे, रैंडम क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन वो आपसे कुछ ऐसा पूछते हैं जो बिल्कुल अलग होता है, बट उसके बाद जो भी वो क्वेश्चन पूछते हैं वो के ही आंसर्स में से वो क्वेश्चंस बनाएंगे, सो दैट दे कैन चेक वेदर यू कैन कम्युनिकेट वेल और नॉट. सो इस इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर रहे. और आई नो यू गाइज विल डू इट, क्योंकि 4th round तक इतना तो मुझे समझ में आ गया था कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आपको जरूरत है एक कॉन्फिडेंस की
मैंने जितना भी आंसर किया, जो भी बोला, वो हमेशा स्माइल के साथ बोला। वो ही मेरे लिए शायद एक प्लस मार्किंग था। और मैंने जो भी आंसर दिया कॉन्फिडेंटली बोला। और ट्राई करिएगा शॉर्ट हो आंसर, ज्यादा शॉर्ट भी ना हो बट शॉर्ट हो, ताकि आपका जो आंसर है वो क्वालिटी डिलीवर करे, ना कि क्वांटिटी। तो ये सब फॉलो करेंगे तो आई नो यू गाइज विल क्रैक इट, और आप भी एक दिन जल्दी कैबिन क्रू बनेंगे। सो मैंने अपना इंटरव्यू दिया था अप्रैल में, अप्रैल में मैंने सेकेंड राउंड दिया था। उसके बाद 10 डेज बाद फोर्थ राउंड के लिए मैं गई थी, और देन फोर्थ राउंड के बाद मुझे PST मिली थी 1 मंथ की। और बहुत लोगों को डाउट होता है कि हमने PST में, क्योंकि अब वो पेड PST है, पहले फ्री होती थी, तो बहुत लोगों को डाउट होता है कि हमने PST में कुछ अमाउंट पे कर दिया, उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं। ऑफकोर्स गारंटी नहीं रहती है, वो आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवाते हैं जिसमें लिखा होता है कि अगर आप सिलेक्ट नहीं हुए तो दिस इज नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आई हैव साइन दैट कॉन्ट्रैक्ट उसके बाद। बट एक चीज का बेनिफिट जो रहता है वो रहता है यू शुड ट्रस्ट द प्रोसेस, क्योंकि PST में आप बहुत कुछ सीखते हैं, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती है, तो उसको आप एक्वायर कर सकते हैं। और ट्रस्ट मी, जितना मैंने PST से सीखा है, आई डोंट थिंक सो मैंने कहीं और से सीखा है, बिकॉज दैट इज अ होल डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर ईच एंड एवरी वन हु वॉज प्रेजेंट इन दैट बैच। और ऐसा नहीं है कि कभी भी ऐसा हुआ हो कि किसी एक बच्चे पे बहुत ज्यादा अटेंशन दिया जा रहा हो और किसी एक पे बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दिया जा रहा हो। इनफैक्ट अगर कोई वीक है तो उस पे ज्यादा अटेंशन देते थे। मैंने जहां तक इंटरव्यूज में देखा है कि जब मैंने इंटरव्यू दिया था, डायरेक्ट सिलेक्शन सिर्फ 2 या 3 लड़कियों का किया था उनने, तो आई थिंक इंडिगो ज़्यादा डायरेक्ट सिलेक्शन कर नहीं रहा है अभी एट दिस मोमेंट। एंड मोस्टली लोगों को PST मिली थी, जिनका अच्छा इंटरव्यू गया था उनको 1 मंथ की PST मिली थी, और जिनका ओके गया था उनको 2 मंथ की PST मिली थी, और जिनका नहीं गया था अनफॉर्चुनेटली वो सिलेक्ट नहीं हो पाए थे। और जिन जिनको PST मिली थी 1 मंथ की, मोस्टली लोगों ने पेड थी तब भी अप्लाई किया था, क्योंकि अमाउंट इतना ज़्यादा नहीं था, 11,200-11,500 कुछ था। बट जो 2 मंथ्स की PST ट्रेनिंग थी, मोस्टली लोगों ने ज़्यादा अप्लाई नहीं किया था, क्योंकि 22,500 समथिंग कुछ होता है 2 मंथ्स की PST ट्रेनिंग का, दैट टू उसके एडिशन में आपका टाइम भी उतना जाता है, फिर आप कुछ और काम भी नहीं कर सकते। अगर आपका कोई एग्जाम है तो आप वहां नहीं जा सकते एग्जाम देने, आपको फुल टाइम घर पे रहना है, बिकॉज डेली आपको संडे को छोड़ के डेली आपको क्लासेस करनी है 9 to 12, देन 12 to 1 लंच टाइमिंग, फिर 1 to 4, एंड फिर अगर आप थोड़ा सा भी उन्होंने देखा कि आप में इम्प्रूव, मतलब आपका कोई एरिया है जो इम्प्रूवमेंट की ज्यादा जरूरत है उसको, तो दे यूज टू टेक एक्स्ट्रा क्लासेस। तो मतलब दिन भर पूरा उसमें चला जाता था। और ट्रेनिंग में भी PST में आपको पूरा तैयार होके बैठना पड़ता है फॉर्मल्स में, एक बन के साथ एक शर्ट डाल के प्रोफेशनली जैसे बैठते हैं वैसे बैठना पड़ता है, तो दैट इज वेरी टायरिंग। और आई रिमेम्बर, मतलब मैंने जब 1 मंथ का किया था तो मैं डेली सुबह उठती थी, आई यूज टू अप्लाई मेकअप, आई यूज टू वेयर शर्ट, और फिर उसके बाद मेकअप, बन, दिन भर सर दुख जाता था। बिकॉज फार एज आई रिमेम्बर, हमारे बैच में 28 लड़कियां थी, और उसमें से 25 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ था। टू डू ईच एंड एवरीथिंग टू गिव यू द बेस्ट सर्विस, द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज डू योर होमवर्क्स ऑन टाइम, असाइनमेंट्स, जो भी चीज वो बोल रहे हैं डू इट वेरी रिलीजियसली, इतना होता था। और आफ्टर सिलेक्शन, अगर आपको सिलेक्शन हो जाता है तो जैसे अभी मैं ट्रेनिंग पे जाऊंगी तो दे विल आस्क यू 50,000 डिपॉजिट, और आपको चिंता करने की बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि 50,000 का डिपॉजिट जो होता है वो आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा के उन्हें कंपनी को देते हैं कंपनी के नाम से। बट आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ सर्विंग और टू, यू विल गेट दैट मनी बैक, दैट टू 1.5 लाख, क्योंकि वो एक डिपॉजिट टाइप होता है। मे बी में कोई फीस नहीं होती है, जो ट्रेनिंग देते हैं वो उसमें कोई फीस नहीं होती है, तो बस ये वो अमाउंट है कि आप 2 साल तक एटलीस्ट काम करें इधर। अगर आप 2 साल से पहले ये जॉब छोड़ते हैं तो वो आपको 50,000 नहीं मिलेगा, सो दैट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 50,000 यू हैव टू कीप इट रेडी, सो दैट यू कैन इशू अ डिमांड ड्राफ्ट फ्रॉम बैंक, एंड यू कैन गिव दैट डिमांड ड्राफ्ट टू द कंपनी।
जहां तक ड्रेसअप की बात रही, आपको क्या पहन के जाना चाहिए इंटरव्यू में, तो मे बी अ व्हाइट शर्ट, ब्लैक स्कर्ट पहन के जाएं, स्टॉकिंग्स पहन के जाएं, बेली पहन के जाएं, एंड मे बी यू कैन कैरी अ ब्लेजर। ब्लेजर से लुक आता है, ब्लेजर से आप प्रोफेशनल लगते हैं। मैं ब्लेजर पहन के नहीं गई थी क्योंकि बहुत गर्मी होती है ऑलरेडी, तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं एज योर विश। और एक बन बना लें, और बन बना लें एंड यू आर गुड टू गो। और लाइट मेकअप रखें, ब्लश ज्यादा लगाएं ताकि आप और सुंदर दिखें, बट ज्यादा हैवी मेकअप नहीं हो तो दैट इज बेस्ट। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो ऑलमोस्ट मेरी हर एक फ्रेंड ने मेरे से पूछा है कि क्या तुमने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। तो इसका आंसर है कि नहीं, मैंने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया था। मुझे बस इंस्टाग्राम के थ्रू पता चला था, मैंने आई गॉट टू नो कि अच्छा कैबिन क्रू, तभी मुझे पता चला था कि कैबिन क्रू के इंटरव्यू ऐसे होते हैं। मैंने भी यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे, थोड़ा बहुत प्रिपेयर करके गई थी, थोड़े बहुत क्वेश्चंस देखे थे यूट्यूब पे कि कैसे क्या होगा, बट जो क्वेश्चंस मेरे से पूछे थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे। और ऑफ कोर्स जो भी वो क्वेश्चंस पूछते हैं वो बहुत जनरल होते हैं, सिर्फ आपकी आपकी वो कोई नॉलेज चेक नहीं कर रहे हैं उधर, सिर्फ आपकी ये चेक कर रहे हैं वो कि आपकी कम्युनिकेशन कितनी बेटर है। अगर आप गलत भी आंसर दोगे, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे कैबिन क्रू के इंटरव्यू में लगी, दे यूज टू टेल दैट रिमेंबर नो आंसर इज राइट और रॉन्ग, मीन्स नो आंसर इज राइट और रॉन्ग। अगर मैंने कुछ अलग बोला और आपने कुछ अलग बोला है तो ये नहीं है कि मेरा गलत है और आपका आंसर सही है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू कम्युनिकेटेड। अगर आपको लगता है कि आपको इंस्टीट्यूशन की जरूरत है तो आप प्लीज गो अहेड, आप ज्वाइन कर सकते हैं। पर सो वॉट ऑल आर द रिक्वायरमेंट्स टू बिकम अ कैबिन क्रू। सो अलग अलग एयरलाइंस की मोस्टली अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बट जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं मैं वो बताती हूँ। सबसे पहले कम्युनिकेशन, तो आपकी इंग्लिश और हिंदी में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। आई शुड बी एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। सो दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकेंड रिक्वायरमेंट जो होती है वो होती है कि आपके 10th 12th में 60% के अबव आने चाहिए। एंड इंडिगो एयरलाइन में अगर मैं बात करूँ तो हाइट क्राइटेरिया है 155 सेंटीमीटर। सो और डिफर करता है अलग अलग एयरलाइन में, आप उनके वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं what all are the requirements of a cabin crew, तो आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगी। और तो दीज आर सम रिक्वायरमेंट्स। और पासपोर्ट की जहां तक बात करें, तो अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है और आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो व्हाट आई डिड, मेरे पास भी पासपोर्ट नहीं था, तो मैंने अप्लाई करके वो रिसिप्ट लेके इंटरव्यू के लिए गई थी। ऑल्दो किसी ने मांगी नहीं थी वो रिसिप्ट, बट जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो वो सिलेक्शन हो गया, तो ये बेनिफिट रहा उसका कि मेरा पासपोर्ट अब रेडी होके आ गया, जब मुझे अब नीड है उसकी। तो अगर आपका भी पासपोर्ट नहीं है तो एटलीस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं और वो पासपोर्ट ले जा सकते हैं। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो है आपका रेज्यूम। आपका रेज्यूमे बहुत अच्छे से बना होना चाहिए, उसमें सारी अचीवमेंट्स आपके लिखी होनी चाहिए, व्हाट ऑल यू डिड। एंड सेकेंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो मैं बोलना चाहूंगी वो है, जैसे मेरा सेकेंड राउंड क्लियर हो गया था तो दे आस्क्ड मी माय पासपोर्ट साइज फोटो एंड आधार कार्ड की फोटोकॉपी एंड आधार कार्ड की एंड पैन कार्ड की फोटोकॉपी। सो प्लीज अपने साथ अपनी ऐसे एक फाइल ले जाएं, इसमें सारे अपने डॉक्यूमेंट्स रख के ले जाएं, ताकि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स, सब डॉक्यूमेंट्स इसमें हैंडी हो। आप एक चीज कर सकते हैं, आप एक पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवा सकते हैं अपने, इफ पॉसिबल आप प्लीज पासपोर्ट साइज फोटो जो अपने खिंचवाएं वो प्रोफेशनल, जो जैसे आप ग्रूम होके उधर जाएंगे वैसे ही आप फोटो प्लीज ऐसे खिंचवाएं। लेट मी शो यू, अगर आप आपको ये दिख रही हो तो मे बी आप ऐसे खिंचवाएंगे फोटो, तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो आप ऐसे फोटो खिंचवा सकते हैं पासपोर्ट साइज, एंड दिस इज नॉट नीडेड इन इनिशियल स्टेज, बट अगर आपको खिंचवानी है तो आप ऐसी फोटो भी खिंचवा सकते हैं फुल साइज की फॉर्मल्स में उनके अटायर के साथ। सो व्हाइट बैकग्राउंड में रखेगा क्योंकि ब्लू बैकग्राउंड में वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मैंने फर्स्ट ब्लू बैकग्राउंड में खिंचवाई थी, बट अब जब मेरे को ट्रेनिंग में जाने बोल रहा है, ट्रेनिंग में जब जाऊंगी मैं, सो दे विल नॉट एक्सेप्ट दिस, दे विल एक्सेप्ट दिस व्हाइट बैकग्राउंड चाहिए फोटो के पीछे। सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये इंटरनेशनल एयरलाइंस में ये बैकग्राउंड वैलिड होता है, बट इंडिगो एयरलाइंस में व्हाइट बैकग्राउंड ही चाहिए। सो आई चेंज्ड इट टू व्हाइट। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, बट इनिशियल स्टेज पे आई डोंट थिंक सो दिस इज रिक्वायर्ड, बट आप खिंचवा सकते हैं आपके सेफर साइड के लिए। और लेट मी शो यू माई रिज्यूम ऑल्सो।
एंड 10-12 की मार्कशीट की भी फोटो कॉपी ले जाइएगा, वो भी अच्छा होता है. एंड दिस इज हाउ माई रिज्यूम लुक. लुक, आप अपना नंबर डाल सकते हैं, ऑल द ईमेल एंड एवरीथिंग. देन यू कैन, आप अपने बारे में बता सकते हैं, व्हाट अबाउट यू. देन यू कैन शोकेस योर स्किल्स, यू कैन राइट व्हाट ऑल स्किल्स यू हैव. सो लैंग्वेज स्किल्स, दिस इज सम अदर स्किल्स व्हिच आर देयर, व्हिच आर प्रेजेंट. ठीक है, इसके बाद एडुकेशन में आप डाल सकते हैं व्हाट ऑल यू हैव अचीव टिल नाउ. 10-12 के मार्क्स डाल सकते हैं एंड एवरीथिंग. एंड इंग्लिश सब्जेक्ट लैंग्वेज के भी मार्क्स डाल सकते हैं. सो एक्सपीरियंसेस में कुछ, अगर आपने वेरियस, आपको कुछ जैसे कल्चरल कमिटी में आपने वर्क किया हो. आई हैव परफॉर्म्ड, आई हैव गिवन वेरियस स्टेज शोज, आई यूज्ड टू सिंग, सो आई हैड दिस एक्सपीरियंस. सो आई हैव रोट इट डाउन बिकॉज टू परफॉर्म ऑन स्टेज इट रिक्वायर अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. सो दैट शोकेस इज दैट येस, यू कैन हैंडल पब्लिक. कैबिन क्रू जॉब इज टू इंटरैक्ट विद पैसेंजर्स ऑन अ डेली बेसिस, ऑन टू और टू टॉक और टू कम्युनिकेट विद स्ट्रेंजर्स. तो ये एक प्लस पॉइंट हो सकता था मेरा. ये आप भी अपने एक्सपीरियंसेस लिख सकते हैं. देन ट्रैवलिंग, देन हॉबीज भी आप लिख सकते हैं, व्हाट ऑल यू लाइक. सो आई हैव रिटन सिंगिंग, ट्रैवल, व्लॉगिंग, इंटरैक्टिंग विद पीपल, एंकरिंग, कंटेंट क्रिएटर. कोई भी चीज ऐसी लगती है आपको, जो लगता है आपको कि ये अच्छा इंप्रेशन देगी, तो प्लीज एड दैट इन योर रिज्यूम. इट वॉज मे, आई विल टेल दिस ओनली के इफ आई कैन डू दिस, ईच एंड एवरी पर्सन can do this. Believe me, this is my personal experience. Because जब मैं पहली बार उस कमरे में गई थी, उस जब मैं पहली बार वेन्यू के हॉल के अंदर एंटर करी थी, when I saw the beautiful ladies, I was nervous. But उसके बाद once I cleared my first round, I was not overconfident, but I was confident that yes, I can do that if I keep smiling. So keep smiling and keep spreading love. Thank you so much for watching my video. Please like, share and subscribe. Thank you so much. Bye-bye.